अपन इसमें स्वागत है। हम ब्रह्मानंद ठाकुर। शुक्र दिन भिनसरे से बाबा विश्वकर्मा के पूजा पाठ जनकपुर सहित देश के विभिन्न स्थान सब में कैल जा रहा है। बाबा विश्वकर्मा के माटि के प्रतिमा बनाकर जनकपुर सहित देश के विभिन्न स्थान सब में पूजा पाठ कैल जा रहा है। संगे देश के विश्वकर्मा मंदिर सब में सेहो पूजा पाठ करे वाला सबके भीड़ लागल है। एहि दिन में विभिन्न किस्म के लोहा धातु मशीनरी पाठ पुर्जा औजार तथा विभिन्न किस्म के सवारी साधन के सेहो धोधा कर पूजा पाठ कैल जात। जनकपुर के बस पार्क तथा विभिन्न गैरेज कल कारखाना आ धातु संग संबंधित दोकान सब में सेहो पूजा पाठ कैल जा रहा है। संविधान सभा से नया संविधान पारित भेल खुशियाली में नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी के सभासद सबके लड्डू खुअल लेने। एमाले संसदीय दल बृहस्पति दिन सिंह दरबार में चाय पान कार्यक्रम के आयोजना कने छल। कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष ओली वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आ माधव नेपाल एक दोसर के लड्डू खुआ कर खुशियाली मनौलन। सभासद सबके सेहो लड्डू खुने छल। एमाले संविधान जारी भेल खुशियाली में आसिन 5 गते राजधानी के रंगशाला में विशेष चाय पान कार्यक्रम सेहो रखने अछि। नेपाल के संविधान निर्माण प्रक्रिया में मधेशी समुदाय के समेटा परत कहित एल भारत आकाश एकाएक अपन विशेष दूत काठमांडू पठाव के निर्णय कने अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बनकर विदेश सचिव एस जयशंकर शुक्र दिन भिनसर में काठमांडू पहुँच रहा है। काठमांडू औला के बाद जयशंकर भिनसरे प्रधानमंत्री सुशील कोइराला संग भेंट कर के समय मिलौने स्रोत बतौल कैसे। कोइराला संग भेंट कला के बाद में मोदी के दूत शीतल निवास पहुँच कर राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संग सेहो भेंटक एक कार्यक्रम छन। स्रोत के अनुसार बृहस्पति के बेरिया में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विदेश सचिव जयशंकर आ नेपाल के लिए भारतीय राजदूत रंजीत राय संग नेपाल के मामला बारे गंभीर छलफल कने छलत। वही विषय के बाद प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में विदेश सचिव जयशंकर के काठमांडू पठाब के निर्णय भेल स्रोत बतौने अछि। नेपाल के मामला क्रिटिकल भेल कहित राजदूत रहे दिल्ली में बात रखला के बाद मोदी दूत पठाब लागल स्रोत बतौने अछि। संविधान घोषणा भेल खुशियाली में प्रमुख तीन दल आसीन 4 गते संयुक्त सभा कर लागल अछि। काठमांडू उपत्यका सहित के विभिन्न स्थान में संयुक्त सभा कर के तैयारी अछि। ए माओवादी महासचिव कृष्ण बहादुर महाराज संयुक्त सभा के सहमति भेल जानकारी देने अछि। सरकार के आयोजना या दल सब करत एहि विषय में निष्कर्ष लागब बाकी रहल। एमाले सचिव योगेश भट्टराय जानकारी करौलन। सरकारक आयोजना में होबय वाला सैनिक मंच चूड़ी खेल में आम सभा होयत। प्रमुख 4 दल आंदोलनरत थरुवट संयुक्त संघर्ष समिति बीच वार्ता भेल अछि, मुदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी नहीं भेलत। बालवाटार में भेल वार्ता में थारू नेता सब आंदोलन के क्रम में पकड़ाव पड़ल नेता कार्यकर्ता के रिहा कर आ धर पकड़ रोक के मांग केने अछि। संगे वो सब सेना फिरता सहित के 7 बूंदे मांग पूरा कर आग्रह केने अछि। शीर्ष नेता सब के धर पकड़ रोकब कहने छै थारू नेता संतोष थारू जानकारी देलन। शीर्ष तीन नेता रहत कहल गेल बैसार में एमाले अध्यक्ष केपी ओली आ माओवादी नेता बाबूराम भट्टराय सेहो अनुपस्थित छलत। ओली नहीं आयल कहे थारू नेता राजकुमार लेखी बैसार छोड़ कर निकल रहत। आधा घंटा तक बाट तकलों केपी ओली आ बाबूराम भट्टराय नहीं आयत लेखी कहलन केपी ओली बिना के बैसार के कोनो अर्थ नहीं अछि कहकर हम सब चल दिलौ। अपना सबके निकास के लिए वार्ता में बैसा तैयार रहल, मुदा शीर्ष नेता सब में गंभीरता नहीं देखल गेल ओ बतौलन। बैसार में एमाले के दिस से माधव कुमार नेपाल सहभागी छलत। कांग्रेसक प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के संगे वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देवपा सेहो सहभागी रहत। ए माओवादी अध्यक्ष प्रचंड आ फोरम लोकतांत्रिक के अध्यक्ष विजय कछेदार सेहो वार्ता में सहभागी भेल रहत। सर्वोच्च अदालत निलंबित सभासद संजय कुमार साह के 1 वर्ष 9 महीना कैद सजा सुनौनी अछि, संगे 5,000 जरिमाना के फैसला सुनौनी अछि। सर्वोच्च 2068 साल से विचाराधीन मुद्दा में फैसला करैत साह के हाथ हथियार तथा खर खजाना आ किछ सार्वजनिक अपराध के मुद्दा में दोषी ठहर केने अछि। सर्वोच्च के न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय देवेंद्र गोपाल श्रेष्ठ आ चौलेन्द्र शमशेर के पूर्ण इजलास से पुनावेदन अदालत जनकपुर के फैसला सदर केने अछि। 3 जेठ 2063 में धनसा के सखुआ महेंद्रनगर में हो हल्ला केने अवस्था में हाथ हथियार पकड़ाव केने कहित हाथ हथियार तथा खर खजाना आ किछ सार्वजनिक अपराध में मुद्दा चलल छल।
लोकतांत्रिक मधेशी समाज जनकपुर में श्रद्धांजलि जुलूस के आयोजना कयने अछि। बीतल शुक्र दिन पुलिस गोली लागि मृत्यु भेल सब में श्रद्धांजलि के लिए आयोजना कयल गेल। जुलूस में नागरिक समाज, प्राध्यापक, शिक्षक, व्यवसायी लगात के संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के नेता कार्यकर्ता के उपस्थिति रहल छल। जनक चौक से निकलल जुलूस जानकी मंदिर, मिल्स एरिया, भानु चौक होत फिर से जनक चौक में आबिक कोण सभा में परिणत भेल छल। कोण सभा में भाजपा वाला प्राध्यापक तथा संचारकर्मी सब राज्य दुश्मन देश के नागरिक जका व्यवहार केने कहत अधिकार प्राप्ति के आंदोलन के जारी रख बतौलन। अपनो सब के लागी चाहिए तै दुआरे अपने सब जुलूस में आओ और हमरा सब के कान मिला के चली। हमरा सब के बीच में कोनो मधेशी पहाड़ी के झगड़ा नहीं छे। हमरा सब के मधेश सीमांकर के लड़ाई छे। वो अपनों के लागी चाहिए और हमरो लागी चाहिए। अपनों के घर द्वार है, अपनों के बाल बच्चा ही स्कूल में पढ़े है, वही समाज में रहे, हम सब वही समाज में छी। तै दुआरे आबे वाला जुलूस में अपने सब घर घर से महिला पुरुष के सहभागी देखाओ। अपने विभेद मात्र नहीं, दुश्मन देश के नागरिक के सरह हमरा सब के व्यवहार कर रही है। एक बच्चा के यहाँ के हाथ उनारि कर माथ में गोली मार देल जाए छे। हम सब कल के दिन में सिनेमा में मात्र देखे छलो, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप में देखे में आबि रहल है कि राज्य सत्ता की कह चाहि रहल छे, जे अन्योल बुझा रहल छे, बुझे में नहीं आबि रहल छे। यहाँ के बड़ा दुख के बात छे। ओहिठाम के केहन संविधान जारी हेतै, ओ की खुशियाली मनेतै ओहिठाम के लोग। तैं आब के दिन में अहाँ के सचेत रहनाई जरूरी छै, संघर्ष के आवश्यकता छै, लेकिन केहन संघर्ष करब अहू पर विचार के आवश्यकता छै। हमरा अहाँ के बाल बच्चा के पढ़ाई छूट रहल अछि, हमरे अहाँ के धियापुता के ठाम से शिक्षा से वंचित भ रहल छै, अहाँ के अहू पर विचार भेनाई जरूरी छै। मधेशी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम दलित लगायत के संबोधन नहीं कर आनल गेल संविधान कोनो काज के नहीं रहल कहत वो सब सरकार आग्रह केने बमोजिम अपने सब दियाबाती नहीं मना कर ब्लैक आउट करब बतौलन। बीतल शुक्र दिन पुलिस गोली लागि जनकपुर में 3 गोटे के मृत्यु भेल। एम्हर जनकपुर में पहिल बेर जुलूस के आयोजना कयल गेल अछि। जुलूस के बाद कोन सभा में मृतक संजय चौधरी, दिलीप यादव आ नीतू यादव के श्रद्धांजलि देल गेल छल। अपन इस अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।